ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है यू हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट कैसे, यहाँ पे ए और बी कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर तो है हमारा, यानी कि ए इज इक्वल्स टू, मैं क्या मान लूँ, एक्स स्क्वायर, और बी जो है उसको मैं यहाँ पे मान लूँ वाई स्क्वायर अपॉन 100। पर ये तो वाई स्क्वायर है, बट ये तो स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये y तो स्क्वायर है लेकिन 100 का स्क्वायर नहीं है, मतलब 100 स्क्वायर के फॉर्म में अभी नहीं लिखा है। और हम जब इस आइडेंटिटी की बात करेंगे, किस आइडेंटिटी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी की। तो a का भी होल स्क्वायर होना चाहिए और b का भी होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने y स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख लिया y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का जो आंसर होगा वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स।